दो सगे भाइयों को अवैध हथियार और शराब के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर के नौगछिया पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा, झंडापुर थाना क्षेत्र के एक घर से अवैध देशी कट्टा, पिस्टल और जिंदा गोली और शराब के साथ दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। हालांकि छापेमारी करने के दौरान एक अपराधी पीछे के दरवाजे से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक में दो भाई चिक्कू कुमार और मिथुन कुमार को अवैध शराब एवं हथियार की बिक्री करते थे। घर की तलाशी लेने पर चिक्कू कुमार के कमरे में टीन के एक बड़े ट्रंक से 18 इंच देशी कट्टा एवं 36 जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा मिथुन कुमार के कमरे से छज्जा के ऊपर कपड़ा में बांध कर रखा हुआ एक देशी पिस्टल बरामद हुआ। घर के रसोई घर में छुपा कर रखा गया 5 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट और मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लगातार दुर्गा पूजा के अवकाली दीपावली करवाने वाला है, 11 मेले का क्या तैयारी और पर्व को लेकर क्या तैयारी है पुलिस की? देखिए, नौगछिया पुलिस लगातार हमेशा अलर्ट मोड में रहती है और हर पर्व गंभीरता से लेती है। आपने देखा कि दुर्गा पूजा भी बहुत शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, इसमें पुलिस मेहनत के साथ साथ अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी और अन्य जो भी जनप्रतिनिधि थे या आम आदमी सपोर्ट रहा। हम लोग काली पूजा, दिवाली और छठ तीनों शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। और जिस तरह दुर्गा पूजा में हम लोगों ने किया था कि प्रत्येक पंडाल पे जो जिसकी प्रतिनिधि पदाधिकारी हो उसको हम 10 दिन पहले से ये निर्देश दिया गया था कि आपको प्रतिदिन पंडाल पे जाना है। पुनः काली पूजा के लिए यही सेम चीज निर्देश दिया गया कि जिस पदाधिकारी ड्यूटी वहां रहेगा उसको प्रतिदिन वहां जाना है। अभी से वहां पर दो दो प्रतिक किया गया है, दफादार या चौकीदार है ना, ताकि वो पता करते रहेगा कोई विवाद तो नहीं है, हल्का विवाद तो नहीं, ताकि हम लोग संज्ञान में आएगा, ताकि हम समय रह के कार्रवाई कर सके। इसके अलावा देखिए, जो प्रिवेंटिव एक्शन है काफी संख्या में किया गया, बॉन्डोन भी कराया गया, लगभग 80-85% लोगों को बॉन्डोन कराया गया, जो कि 6 माह तक उसका प्रभाव रहता है। उस 6 माह प्रभाव में दिवाली और छठ भी आता है। इसके अतिरिक्त भी थाना प्रभारी को दुर्गा पूजा में महसूस हुआ हो कि कोई लड़कों पे या कोई व्यक्ति पे ये फिर से देना है तो प्रस्ताव साथ कर देंगे और बॉन्डोन ये लोग उसका लगातार हम टच में है। और कई थानों में मीटिंग संपन्न हो भी गई है पीस कमेटी का, लोग काफी सहयोग भी मिलता है और निश्चित रूप से हम लोग तीनों पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। तो कल शाम को ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई, झंडापुर थाना अंतर्गत मरवा ग्राम में दो भाई है मिथुन और चिक्कू, पेशर संजीत कुमार उर्फ बुलटूरा, अवैध शराब और हथियार का कारतूस का खरीद बिक्री करता है। जानकारी मिलते ही एसआईटी गठन किया गया, इसमें थाना प्रभारी झंडापुर ओपी अजीत और एएलटीएफ बीपुर एसआई कश्यप टीम को बनाया गया और तत्क्षण दोनों जाकर के छापामारी करने क्रम में चीकू जो है वो घर से भागने का कोशिश किया, उसे गिरफ्तार किया गया और तलाशी में उसके पास एक कट्टा बरामद हुआ और जो घर का तलाशी लिया गया, ये हथियार देख रहे हैं बता रहे हैं। और जो दूसरा भाई उसका मिथुन है, मिथुन के कमरा से छज्जा के ऊपर में एक देसी पिस्टल भी बरामद, कपड़ा में बंधा हुआ था बरामद। इस तरह कुल 3, 2 कट्टा है, पिस्टल है, तीनों कंट्री मेड है, उसका केवल वो नली जो है वो बड़ा है और 36 कुल गोली बरामद हुआ है और कुल 5 ये शराब का विभिन्न ब्रांड का बोतल बरामद हुआ है, जिससे ये हथियार गोली और शराब लिया गया था उसका भी नाम बताया है अपराधी, उसे बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी वो घर से फरार है, एसआईटी गठित है एसआईटी जो बहुत जल्द गिरफ्तार भी करेगा और ये भी देखेगा कि वो शराब खेप किससे लाता है। इसके अलावा एक